आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को झुकना पड़ा है केदारनाथ मामले में। केदारनाथ मामले में जो कुछ मीडिया ने ये खबर की, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया को झुकना पड़ा है और केदारनाथ मंदिर पर बैक यानी उनको बैक जाना पड़ा है कि अब वो केदारनाथ मंदिर को नहीं लेंगे। ऐसा ही विरोध सोनिया गांधी के सरकार के समय भी हुआ था। ऐसा ही विरोध आप देखिए अखबारों में, अमर उजाला और हिंदुस्तान ने और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंडिया स्पीक्स डेली ने किया और इनको झुकना पड़ा। अब ये कुतर्क दे रहे हैं, हम तो ऐसा कहे नहीं, हमने ऐसा माना नहीं, ये झूठी खबर है। ये खबर सच्ची थी, इसमें आपको मैं एक आपको अधिकारी का बयान पढ़ाऊंगा। अधिकारी का बयान ऐसे नहीं लिया जाता, मैं पत्रकार हूं इतने समय से, अधिकारी का बयान था इसलिए मैंने कहा कि खबर ऑफिशियल है, लेकिन अब इनको बैक ट्रैक करना पड़ा क्योंकि लोगों ने विरोध किया, हिंदुओं ने विरोध किया। और मैं इंडिया स्पीक्स डेली के हर पाठक दर्शक का सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे साथ हर मुद्दे पर साथ में खड़े हैं। और मैं मूल मुद्दा ही उठा रहा हूँ, आपको डिस्ट्रक्टिव मुद्दे ये वो हो रहा है, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इधर उधर, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। हिंदू मुद्दे होने चाहिए और जिसके कारण एएसआई को पीछे हटना पड़ा, इसलिए आज जो न्यूज बताऊंगा उसमें भी एएसआई को सोचने को बाध्य होना पड़ेगा कि आप देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जबकि आपका काम इमारतों के संरक्षण का है। तो सबसे पहले मैं पुरानी खबर से शुरू करता हूँ, हिंदुस्तान की। ये खबर देखिए, खबर ये थी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान अखबार का, कि केदारनाथ मंदिर बनेगा राष्ट्रीय धरोहर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भेजा ये प्रस्ताव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये प्रस्ताव भेजा था, ये खबर 13 अप्रैल 2022 की थी, अभी इसी साल की। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है पुरातत्व विभाग मंदिर का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट संस्कृति केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भेजेगा। सर्वे तक की बात हो गई थी। इस रिपोर्ट के जो है बाद ये पुरातत्व में शामिल हो जाएगा धरोहर में केदारनाथ। और अभी उत्तराखंड में 43 धरोहर थे। ये बात मैंने आपको की थी क्योंकि पत्रकारिता, आजकल लोग सोशल मीडिया में आ गए हैं लेकिन पत्रकारिता के एथिक्स नहीं जानते। ऑफिशियल वर्जन है तो खबर पुष्ट है, बोलते खबर सच है। आप ये आप देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के प्रभारी वो वरिष्ठ पुरातत्व मनोज कुमार सक्सेना, पहला ये पुरातत्व विभाग के प्रभारी हैं यानी चीफ हैं, देहरादून मंडल के चीफ का वर्जन। और बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, उनका क्या वर्जन था देखिए। वर्जन था इनका कि शासन की ओर से केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव आ गया है, जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। यानी शासन ने कहा कि आपको इसको धरोहर में शामिल करना है, सरकार ने सर्वे कराने को कहा। ये कौन कह रहा है? देहरादून मंडल के पुरातत्व विभाग का चीफ। ऑफिशियल वर्जन, नॉट सूत्र, नॉट इधर उधर, ऑफिशियल वर्जन, ठीक है। और इस मामले में जो है आपको 2003 से 2007 के बीच में भी सर्वे हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है उस वक्त भी इसका विरोध हुआ जिसके कारण सोनिया की सरकार भी नहीं कर पाई। और इस वक्त आपने विरोध किया, हिंदुस्तान में खबर छपी, हिंदुस्तान में पॉजिटिव खबर थी, ये होगा फायदा, वो फायदा बना के उन्होंने छापे थे। लेकिन इंडिया स्पीक्स डेली ने आपको उसके घाटे बताए और अब वो बैकट्रैक क्या है, अब आप उसको अमर उजाला की खबर दिखाओ। इसलिए आपको खबर, मेन खबर आपको उठाते रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीत होगी, वरना सरकार को पता ही नहीं चलेगा और आप गाली देते रहो, क्या फायदा। उत्तराखंड, केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव नहीं, अधिकारी का बयान था। और कैसे पलटे, ध्यान दीजिए, पंचायत के विरोध के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट की स्थिति। लोग वहां जब उतरे तो राज्य सरकार, जो पुराना कटिंग दिखा, कि कहा कि शासन की ओर से केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव आ गया है। ये कौन कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के प्रभारी। प्रभारी, मैं बच्चों की तरह न्यूज समझाता हूं ताकि आप समझिए कि आप कितने बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए, आपको कोई यूट्यूबर से ये मुद्दे नहीं उठा रहा, दाएं बाएं करके व्यूज बढ़ाने पे काम हो रहा है, असली मुद्दे इंडिया स्पीक डेली पे उठ रहे हैं और सरकार सुन रही। मैं सरकार को सैल्यूट करता हूं। कल भी मुझे एक फोन आया था कि संदीप जी, भले यहाँ हर बड़ा व्यक्ति अधिकारी सरकार में आपको देख रहे हैं कि आप सही मुद्दे उठा रहे हो,
कई चीजें चुप रही है, लेकिन सही मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं हम। देखिए तो आज उन्होंने क्या कहा था कि शामिल करने का प्रस्ताव आया, अब वो दोबारा क्या कह रहे हैं सरकार कि हमने ऐसा नहीं कहा। सरकार तुरंत ब्यूरोक्रेसी पर डाल के निकल गई। लेकिन जो भी हुआ हो, आपकी जीत तो हुई, हमारा केदारनाथ छीना तो नहीं जा रहा। अब आप देखिए, राज्य सरकार ने साफ किया कि केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की ना तो कोई योजना है ना कोई प्रस्ताव। सरकार पलट गई तुरंत, अब समझ रहे। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव से साफ इनकार किया। और इसमें लेकिन उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को चार धाम तीर्थ पुरोहित हकुकधारी महापंचायत ने केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी। मामला संज्ञान में आने के बाद सचिव संस्कृति हरिचंद्र सेमवाल ने विभागीय अधिकारियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के अधिकारियों, देहरादून मंडल जवाब दे, बैठक बुलाई। सचिव ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ पुरातत्वविद मनोज सक्सेना से प्रस्ताव को लेकर जवाब मांगा। कहा क्यों वर्जन दिया था इनडायरेक्ट, ये ऑफिशियल बता रहा हूं, अब अनऑफिशियल में लंबा पत्रकार रहा हूं। किसने कहा था आपको बयान देने, अब समझ रहे हो। तो ये जो है, जब हम शासन के स्तर से इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया या कोई आदेश जारी किया गया इस पर प्रस्ताव या आदेश से उसको धम, देखिए कहा क्या किया गया, बताइए क्या आदेश जारी किया गया शासन की ओर से। उन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं, उनको कह दिया गया, ये स्थिति है। तो ये आपको, और उसके बाद सेमवाल ने कहा कि केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए शासन से ना तो कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है ना भविष्य में योजना है, विरोध बहुत जरूरी है। और आपको मैंने रूस की कहावत दी थी, जो आपका आलोचना करता है वो आपका मित्र है और जो आपकी चापलूसी करता है वो आपका शत्रु। और सरकार सुन रही, मैं सरकार को धन्यवाद कहूंगा, बहुत धन्यवाद कहूंगा। सरकार ने देहरादून मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तथ्यहीन और भ्रामक सूचना देना उचित नहीं है। वो अब उसको कह रहे हैं कि आप तथ्यहीन सूचना मत दीजिए, भ्रामक सूचना। चीफ के पास कागज होंगे, ये हमारी जीत है, अब आप समझ रहे हो। और फिर जो है उसके बाद जो है कहा गया कि पुरातत्व महत्व के 70 स्मारक विभाग के अधीन है और 70 स्मारक और स्थल संरक्षित घोषित है, जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से 43 स्मारक और स्थल संरक्षित घोषित है। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये आपकी खबर, आपने खबर को पीछे होने के लिए बाध्य कर दिया, सरकार अपने रूप से पलट गई, ये आपकी जीत है क्योंकि आप साथ देते हैं सच का। लोग आपको प्रोमो दिखाते हैं, यहाँ आइए, जो सच नहीं सुन सकते यहाँ जाइए, और पूरे दिन चापलूसी करते हैं, उनके पास ऐसी एक खबर नहीं। और वो कहेंगे हम तो जानते थे कि ये झूठी, इसलिए नहीं किया, सरकार के बयान है। ये हवा में तुक्का मारने वाले लोग, सोर्स की खबर चलाने वाले लोग अब चापलूसी करते दिखे। पाकिस्तान वाले में भी यही हुआ है, पाकिस्तान में जो हिंदू लौटे हैं, और मैंने जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उन पर मैंने काफी खबरें की है एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट, दैनिक जागरण और नई दुनिया में। मैं कुछ बोलना चाहता नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं इसमें, मैं बोल सकता नहीं, लेकिन सरकार तक मैसेज पहुंच गया है और चीजें अब आप समझ रहे हो। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सच के साथ हो। तो ये देखिए, आपको ये खबर पलट गई, अब केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की एएसआई की मंशा नष्ट हो गई है, ये हिंदुओं की जीत है।